एवरीबॉडी, आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स का हमारा चल रहा है यूनिट सेकेंड। सेकेंड यूनिट के अंदर हम सेकेंड पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं और जो पॉइंट है हमारा कलर्स, कलर्स थ्योरी हमारी चल रही है, जिसके आज हम लेक्चर नंबर थर्ड पर है। लेक्चर नंबर फोर चल रहा है हमारा, लेकिन कलर्स का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर थ्री हमारा चल रहा है। पहले लेक्चर्स जो हमने किए हैं अब तक, पहले लेक्चर के अंदर यूनिट सेकंड के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ लाइन्स। सेकंड लेक्चर्स के अंदर हमने कलर थ्योरी हमारी चल रही है। सेकंड थर्ड और फोर्थ लेक्चर्स में, तीन लेक्चरों में ये कलर थ्योरी आज हमारी कंप्लीट होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपना कलर थ्योरी। कलर थ्योरी में अब तक हमने पढ़े हैं कि रंग क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से मिले हैं और कौन से रंग प्राकृतिक है और कौन से मिश्रण से बने हैं और कौन से दो रंगों को मिलाकर या तीन रंगों को मिलाकर कौन से रंग बने हैं। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है हमारा कि कलर्स के बारे में जो हमारा चल रहा है। तो प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्सरी कलर्स, चतुर्श्रेणी के रंग, पंचम श्रेणी के रंग, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है टॉपिक्स में कूल कलर्स, वॉर्म कलर्स, न्यूट्रल कलर्स। कि गर्म रंग कौन से हैं, ठंडे रंग कौन से हैं, प्राकृतिक रंग कौन से हैं, उसके बाद तान क्या होती है, रंगों की विशेषताएं क्या है। आज हम ये सब पढ़कर क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक को कि कलर्स के बारे में। रंग क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। रंग प्रकृति की देन है, सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती है और रंग जो है वो मधुरता फैलाते हैं। आज हम कह रहे हैं ठंडे रंग। ठंडे रंग कौन से होते हैं, जो रंग हमें शीतलता प्रदान करते हैं वह कौन से कलर कहलाते हैं। ठंडे रंग, जो रंग हमें शीतलता प्रदान कराते हैं, शीतलता प्रदान कौन से रंग करते हैं, ठंडे रंग। ठंडे रंग शीतलता, ठंडक प्रदान करती है। ये कौन से है रंग हमारे शीतलता प्रदान करने वाले, ग्रीन, रंग है जो आंखों को शीतलता प्रदान करती है, तेजस्व उत्पन्न करती है, शीतलता प्रदान करती है, जिनको देखने से क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। इन दोनों को मिलाकर जो रंग बनेंगे वो भी ठंडे रंग होते हैं। इन्हीं के साथ हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि ठंडे रंगों में एक चीज और भी आती है हमारे पास, वो कौन सी होती है, किसी रंग की हल्की जो रंगत होती है वो भी ठंडे रंगों में आती है। जैसे ग्रीन कलर का लाइट कलर ले लिया हमने, लाइट ग्रीन। ब्लू कलर का लाइट कलर ले लिया हमने, कौन सा होगा, लाइट ब्लू। तो वो कलर्स भी हमारे किस में आएंगे, ठंडे रंगों में आएंगे। किसी रंग की जो रंगत की जो हल्की रंगत होती है वो भी ठंडे रंगों में आती है। तो इसी तरीके से हमारा ये पॉइंट हुआ है कूल कलर्स, कूल कलर्स। अब हमारे वॉर्म कलर्स, गर्म रंग कौन से होते हैं, जो रंग तेजस्वी उत्पन्न करते हैं, जो रंग तेजस्वी उत्पन्न करते हैं वह कौन से रंग कहलाते हैं, गर्म रंग, वॉर्म कलर्स। गर्म रंग कौन से होते हैं, जो तेजस्वी उत्पन्न करती है। देवताओं, देवताओं के ड्रेसेस के अंदर हम नॉर्मली कौन से कलर यूज करते हैं, गर्म रंग यूज करते हैं। गर्म रंग कौन से होते हैं, लाल और पीला, कौन से होते हैं, रेड एंड, रेड एंड कौन सा है, येलो। रेड एंड येलो कलर कौन से हैं, किसमें आ रहे हैं, हमारे गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। इनको मिलाकर जो रंग बनते हैं, जैसे रेड और येलो को हम मिला रहे हैं तो हमारा कौन सा रंग बन रहा है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर भी हमारे कौन सी श्रेणी में आएगा, गर्म रंग की श्रेणी में ही आएगा। ये रंग प्राय कहां मिलते हैं, ये रंग प्राय कहां देखने को मिलते हैं, ये रंग प्राय देवताओं में होते हैं, देवताओं की ड्रेसेस जो बनाई जाती है उसमें होती है। ये नहीं है कि किसी भी चीज के अंदर तेजस्वी उत्पन्न करने के लिए कि गर्मेश टाइप के रंग दिखाए जाते हैं, गर्म रंग दिखाए जाते हैं, आंखों को एकदम से तेज दिखाई देता है तो
नॉर्मली हमें क्या दिखाई देगा, जैसे कि सोने का रंग दिखाई देता है, गोल्डन कलर जो हम कहते हैं, वो कौन सा रंग होता है? गर्म रंग होता है। गर्म रंग होता है क्यों? तेजस्व उत्पन्न करता है। तो कौन सा कलर है हमारा? गर्म रंग। गर्म रंगों की श्रेणी में कौन से आ गए? गोल्डन कलर आ गया, और कौन से आ गए? रेड, येलो, इन दोनों का मिलाकर ऑरेंज कलर, या टेंजराइन शेड हमने एक बनाया था, वो सब कौन सी रंग में आ रहा है? गर्म रंग की श्रेणी में ही आते हैं। डार्क कलर्स होते हैं जो गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। रेड से मेहरून कलर बनाया हमारा, तो वो भी गर्म रंग की श्रेणी में आता है। तो हम ये कह सकते हैं, अब हमने पढ़ा है कूल कलर्स कौन से होते हैं, ठंडे रंग कौन से होते हैं, और गर्म रंग कौन से होते हैं। ठंडे और गर्म रंग पढ़ने के साथ साथ हम तीसरा पॉइंट कर रहे हैं, न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं, उदासीन रंग कौन से होते हैं। उदासीन रंग क्या है? जब किसी रंग की रंगत या किसी के मान को या बल को, किसी रंग की मान को या उसके बल को घटा या बढ़ा दिया जाए तो वह उदासीन रंग कहलाते हैं। जब उस रंग की रंगत को कौन क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो वह कौन सी कहलाएगी रंगत? उदासीन रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग कौन कौन से होते हैं? व्हाइट एंड कौन सा होगा दूसरा? ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक कौन सा होगा तीसरा रंग? व्हाइट एंड ब्लैक। तीसरा कौन सा बनेगा? इन दोनों को मिलाकर जो रंग बनेगा वो हमारा कौन सा है? ग्रे कलर। कौन सा है हमारा जो तीसरा रंग बनेगा इन दोनों को मिलाकर? ग्रे कलर। तो क्या हुआ, उदासीन रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं? व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे, ये कौन से रंग हो गए हमारे? उदासीन रंग, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है, जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु के ऊपर पड़ रही हैं, अगर वो वस्तु उसकी पूरी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर ले, अपने अंदर समा ले, तो परावर्तन के लिए उसके पास कोई भी रंग नहीं बचेगा। तो वह वस्तु हमें कौन से रंग की दिखाई देगी बताइए? कौन से रंग की दिखाई देगी? परावर्तन के लिए सूर्य के प्रकाश में सभी रंग होते हैं, सभी रंग से हमें सफेद रंग दिखाई देता है। जब सारे ही किरणों को अवशोषित कर लिए, परावर्तन के लिए कुछ भी ना बचा, तो वह वस्तु हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी। वह वस्तु हमें कौन से कलर की दिखाई देगी? ब्लैक कलर की। अगर वह उसकी किसी भी किरण को अवशोषित ना करे, किसी भी किरण को अवशोषित नहीं किया, सारे ही किरणों को परावर्तित कर दिया, तो वह वस्तु हमें व्हाइट कलर की दिखाई देगी। वह वस्तु कौन से रंग की दिखाई देगी? व्हाइट कलर की हमें दिखाई देगी। तो ये कौन से कलर्स हो गए हैं हमारे? न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स कौन से हैं हमारे? व्हाइट, ब्लैक और तीसरा कौन सा होगा? ग्रे कलर। इसी तरीके से ठंडे रंग हमारे कौन से हैं जो आंखों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, ठंडक प्रदान कर रहे हैं? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कौन सा है? ये भी दो रंगों के मिक्सचर से बना है, द्वितीय श्रेणी का रंग है। ग्रीन कलर क्या है? दो रंगों के मिक्सचर से बना है, येलो प्लस ब्लू को जो मिक्स किया तो ग्रीन कलर बना है। ग्रीन की मिक्सचर से भी जो शेड बन रही है हमारे, वो भी हमारे ठंडे रंग की श्रेणी में आएंगे। इनके मिलाकर भी जो रंग बनेगा हमारा टर्किश ब्लू बनता है, और ग्रीन ब्लू कलर बनता है जो हमारा, वो भी ठंडे रंगों की श्रेणी में ही आता है। इसी तरीके से गर्म रंग है, आंखों को गर्माहट देने वाले रंग है, और रेड, येलो और ऑरेंज कलर्स जो है, और एक गोल्डन कलर भी हमारे बीच में आ जाता है। तो ये सारे जो रंग है वो कौन से हैं? आंखों को गर्माहट प्रदान करने वाले हैं, तेजस्वी उत्पन्न करने वाले हैं, तो वो कौन से रंग है हमारे? वार्म कलर्स की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ रही है, ये हमने अब तक कलर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट है हमारा तान। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट तान। तान क्या होती है? तान क्या होती है? न्यूट्रल कलर्स वाला ही पॉइंट है इसके अंदर। तान जो हमारा है वो न्यूट्रल कलर्स वाला ही पॉइंट है, लेकिन इसको थोड़ा डिफाइन करना है, इसलिए मैंने इसको एक अलग पॉइंट में भी लेकर किया है कि तान क्या होती है। तान क्या होती है? किसी रंग की रंगत को हल्का कर देना या गहरा या मध्यम कर देना, हल्का, गहरा अथवा मध्यम कर देना तान कहलाता है। क्या कहलाता है तान हमारा? किसी रंग की रंगत को हल्का, गहरा अथवा मध्यम कर देना तान कहलाता है। तान किस तरीके से कहलाएगा अपना?
हल्का, गहरा अथवा मध्यम कर देना तान कहलाता है। जैसे मैंने इस बॉक्स को लिया है, इसमें मैंने रेड कलर डाला है, रेड कलर। इसके अंदर मैंने क्या कर रही हूं, इसकी तान दिखानी है मुझे। इसको हम टीन्स, टोन्स और शेड्स तीन भागों में इसको बांटते हैं। टीन्स, टोन्स और शेड्स। टीन्स क्या होते हैं? टीन्स, टोन्स और शेड्स। टीन्स, टोन्स और शेड्स हम दिखा रहे हैं। तो टीन्स कैसे बनेंगे इस रेड कलर के, टोन्स कैसे बनेंगे इस रेड कलर के और शेड्स कैसे बनेंगे इस रेड कलर की, वो हम दिखाएंगे। तो कैसे होगा, टीन्स क्या है, इसके रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर को मिक्स किया जाता है। ये इसकी क्या होती है, टीन्स क्या होती है, किसी रंग की हल्की रंगते, किसी रंग की हल्की रंगते जो होती है वो क्या कहलाती है, टीन्स कहलाती है। टीन्स क्या कहलाती है, किसी रंग की हल्की रंगते टीन्स कहलाती है, हल्की रंगते। ब्रेड के अंदर अगर मैं व्हाइट कलर को मिक्स कर रही हूं तो यह कौन सा बनेगा कलर, डार्क पिंक, डार्क पिंक। थोड़ा सा और व्हाइट मिक्स कर रही हूं मैं इसके अंदर, पिंक कलर बनेगा। थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूं मैं इसके अंदर तो कौन सा कलर बनेगा, लाइट पिंक बनेगा। कौन सा रंग बनेगा, लाइट पिंक बनेगा। तो ये क्या है हमारी, इस तरीके से हम और इसके अंदर व्हाइट मिक्स करेंगे तो और लाइट बन जाएगा। इस तरीके से जो इस रेड की रंगते बन रही है, लाइट रंगते की रंगत हल्की होती जा रही है, तो वो क्या है, इस रंग की रंगतों का टीन्स कहलाएगा। वो रंगतों का क्या कहलाएगा, टीन्स कहलाएगा। टोन्स क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी, जिसमें हम ग्रे कलर मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शेड्स करेंगे कि शेड्स क्या होती है, किसी रंग की रंगतों की गहरी श्रेणी शेड्स कहलाती है। किसी रंग की रंगत की गहरी श्रेणी जो है हमारी, वो क्या कहला रही है, शेड्स कहलाती है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इस रेड के अंदर हम ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। शेड्स में क्या करते हैं, टीन्स में हमने कौन सा कलर मिक्स किया है, व्हाइट कलर। शेड्स में कौन सा कलर मिक्स कर रहे हैं, ब्लैक कलर। कौन सा कलर मिक्स कर रहे हैं, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्या है इसके अंदर, ब्लैक कलर क्या है, जब रेड के अंदर हल्का सा ब्लैक मिलाया जाता है तो कौन सा कलर यहां पे बनेगा, मेहरून। मेहरून यहां अगर थोड़ा सा और ब्लैक मिक्स करोगे तो क्या होगा, डार्क मेहरून। शेड्स आ जाएगी। इसी तरीके से क्या किया, रेड के कलर्स के हमने इसकी क्या किया है, हमने टोन्स को हमने चेंज कर दिया है। वो चेंज कैसे किया है हमने, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, हमारा पोथ। तो हमारे क्या है, टीन्स, टोन्स, शेड्स। टीन्स के अंदर क्या किया, हल्की रंगते ले ली। टोन्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मध्यम श्रेणी के रंग लेंगे। और शेड्स में हम क्या करेंगे, गहरी श्रेणी के रंग लेते चले जाएंगे। इससे भी ज्यादा डार्क प्लस डार्क हो जाएगा मेहरून। अब आ गया हमारा टोन्स, मध्यम श्रेणी, ग्रे कलर। व्हाइट और ब्लैक को, ग्रे को जब मिक्स करके हम रेड के अंदर बनाएंगे तो यहां पर हमारा वो रंग बनेगा जो इसको और इसको मिलाकर बनेगा। यहां पर हमारा कौन सा रंग बनेगा, जो इसको और इसको दोनों को मिलाकर जो रंग बनेगा वो यहां आएगा। इन दोनों को मिलाकर जो रंग बनेगा वो हमारा इस बॉक्स में आएगा। और इस यहां पर मिलाकर जो रंग बनेगा वो हमारा यहां आएगा। इस तरीके से क्या है, किसी रंग की रंगत को हल्का, गहरा अथवा मध्यम कर देना क्या कहलाता है, टीन्स, टोन्स, शेड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टीन्स, टोन्स, शेड्स कहलाते हैं। टीन टोन शेड्स क्या है,
ये हमारा अभी हमने पॉइंट क्लियर किया है। तो इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आता है कि रंगों की विशेषताएं। क्या आता है हमारा पॉइंट? रंगों की विशेषताएं। जो अभी हमने टॉपिक किया है वो था हमारा तान। किसी रंग के हल्का गहरा अथवा ढारक करना तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तान कहलाता है। अब हम कर रहे हैं रंगों की विशेषताएं। रंगों की विशेषताएं, अलग अलग रंगों की, हर रंग अपनी अलग अलग परिभाषा देता है। हर रंग अपने बारे में अलग अलग बोलता है, अलग अलग परिभाषा देता है, अलग अलग कहता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि रंग, कौन सा रंग हमें क्या कह रहा है, कौन सा रंग हमें क्या कह रहा है, अब हमें वो चीज देखनी है। जैसे कि हमारे पास है सफेद रंग, जैसे कि हमारे पास है सफेद रंग, सफेद रंग क्या कहता है, क्या है रंगों की विशेषताएं? अलग अलग रंग अलग अलग चीज, अपनी अपनी वैल्यूज, अलग अलग चीजें प्रस्तुत करती है। हमने किया है सबसे पहले सफेद रंग। सफेद रंग क्या है? शीतलता प्रदान करता है। सफेद रंग क्या प्रदान कर रहा है हमारे पास? शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है, शुद्धता का प्रतीक है। और क्या है सफेद रंग? शांति, एकता, सत्यता और शुद्धता का प्रतीक है, उज्ज्वलता को प्रतीक करता है। कौन सा रंग है हमारे पास? व्हाइट कलर। व्हाइट रंग क्या कर रहा है? शुद्धता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। जहां पर हमें इन चीजों का प्रयोग करना होता है वहां पर हम सफेद रंगों का प्रयोग करते हैं। तो उज्ज्वलता, शांति, उत्तेजना, भक्ति भावना में इसका प्रयोग किया जाता है। परमात्मा के शीघ्र निकट होता है ये रंग, तो ये इसका प्रतीक माना जाता है सफेद रंग। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं काला रंग, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर किसका प्रतीक है? क्या हमें से कोई बताएगा ब्लैक कलर किसका प्रतीक है? काला रंग किसका प्रतीक है? काला रंग अशुद्धता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अशुद्धता का प्रतीक है। ब्लैक कलर किसका प्रतीक है? अशुद्धता का प्रतीक है। अशुद्धता किस चीज में है? उदासीनता का प्रतीक है। अशुद्धता का प्रतीक है, उदासीनता का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, निंद्रा, हिंसात्मक वृत्तियां पैदा करता है। और साहित्य प्रवृत्तियों में भी काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस चीज का प्रतीक हो गया हमारा? अशुद्धता का, अशांति का, अनिद्रा का, इन चीजों का प्रतीक माना जाता है, रात्रि का प्रतीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है कलर पीला रंग। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पीला रंग, येलो कलर। येलो कलर शुद्धता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और येलो रंग गर्म रंगों का भी प्रतीक हुआ, देवताओं में इस रंग का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश का प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक है, प्रसन्नता, ज्योति, प्रकाश, इन सब चीजों का प्रतीक ये रंग माना जाता है। क्या है ये रंग माना जाता है? किस चीज का प्रतीक माना जाता है? शांति, उज्ज्वलता और प्रकाश, प्रसन्नता, इन सब चीजों का प्रतीक येलो रंग माना जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट कलर आता है रेड कलर। नेक्स्ट है हमारा रेड कलर, लाल रंग। लाल रंग किस चीज का प्रतीक है? सबसे पहले तो ये खतरे का प्रतीक है। रेड कलर किसका प्रतीक है? खतरे का प्रतीक है। खतरे का प्रतीक कैसे है लाल रंग? खतरे का प्रतीक है, युद्ध का रंग माना जाता है, खून का रंग होता है, खून में तेजस्वी उत्पन्न करने वाला रंग होता है, रक्तचाप का संचार उत्पन्न करता है ये। और इस रंग को ज्यादा
शुभ नहीं माना जाता, इस रंग का प्रयोग जो है बहुत कम किया जाता है। इसी के साथ आता है हमारा नीला रंग, इसी के साथ आ रहा है हमारा ब्लू कलर, नीला रंग। नीला रंग किस चीज का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, ठंडा रंग है ये। और नीला रंग किस चीज का प्रतीक है? हमारा शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, सूचक है, शांति का है, कोमलता उत्पन्न करता है और अंधकार दूर करता है। और क्या करता है? अंधकार को दूर करने वाला रंग होता है। मौलिक रचना, खोज करना, कल्पना करना आदि का प्रतीक को ब्लू कलर होता है। इसी के साथ है हरा रंग। हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भी हमारा ठंडा रंग है जो दो रंगों को मिलाकर बनता है। कौन से दो रंगों को मिलाकर हमारा बन रहा है हरा रंग? ग्रीन कलर हमारा कौन सी दो रंगों को मिलाकर बन रहा है? येलो प्लस ब्लू को अगर हमने मिलाया है तो दो रंगों का मिक्सी जो हमारा मिक्स करके बना है वो हमारा ग्रीन कलर बना है। वो ग्रीन कलर कौन सा है? हमारा शांति का प्रतीक है, ठंडा रंग है और हरियाली का प्रतीक है। तो इन चीजों से रिलेटेड हमारा ये रंग कहां जाता है, शांति का, शीतलता का, चंचलता का, बेचैनी का इसका प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आ जाता है वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग, राजसी रंग इसको बोला जाता है। वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग किस चीज का प्रतीक होता है? राजसी रंग इसको बोला जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? सबसे ज्यादा अमीर रंग जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है वॉयलेट कलर को। बैंगन के अंदर ये रंग होता है हमारा, बैंगन का जो रंग होता है वो वॉयलेट कलर होता है, इस रंग को बोला जाता है। तो ये हमारा है वॉयलेट कलर, तो राजसी रंग इसको बोला जाता है। इसी के बाद आ जाता है नारंगी रंग, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर किसका प्रतीक है? अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, चिड़चिड़ेपन का प्रतीक होता है ये रंग। किसका माना जाता है? अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, चिड़चिड़ेपन का प्रतीक होता है, उष्ण, जीव प्रद, चमकीला होता है ये प्राय। तो इस रंग को क्या माना जाता है? जीवन शक्ति का संचार होता है इससे, और इसके संसार में इसकी ये संसार की ओर घसीटता हुआ प्रकट करता है और यह गंदगी का भी प्रतीक होता है। ये क्या होता है? ऑरेंज कलर। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो मतलब कि नारंगी पीला, दो दो रंगों को मिक्स करके हम बता रहे हैं। ऑरेंज येलो टेंजराइन शेड भी हम इसको बोल देते हैं। यह उष्ण, जीवनप्रद और चमकीला रंग बोला जाता है। इसी के बाद आ जाता है हमारे अलग अलग कलर से जो दो दो रंगों को मिलाकर भी इनके प्रतीक बनाए गए हैं, तो ये चीजें हमने बताई है। ये इन रंगों की विशेषताएं कि कौन से समय पर हम कौन से रंगों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने ये कलर थ्योरी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया है। अब तक जो हमारा चल रहा था मेथड ऑफ आर्ट्स मतलब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आज हमने सेकंड पॉइंट हमारा जो था कलर थ्योरी रंगों के बारे में था जो कलर्स थे वो आज हमने कंप्लीट किया है। ओके, हैव ए नाइस डे।